हम बात करेंगे निर्भया की, क्योंकि आज उसके दोषियों को सजा का ऐलान हो सकता है। इस खबर पर हमारी लगातार निगाह बनी हुई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर आगरा से भी आ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में नाराज आजम खान नहीं पहुंचे हैं। आज से आगरा में एसपी कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक होने वाली है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर प्रशांत सरकार सवालों के घेरे में है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसे लेकर आजम खान अखिलेश और मुलायम से नाराज बताए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि दो दिन पहले ही आजम खान आगरा में थे, लेकिन आज वो कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होने पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, आगरा में हो रही है एसपी की कार्यकारिणी की बैठक। दो दिन की इस कार्यकारिणी की बैठक में आजम खान पहुंचने वाले थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि वो नहीं आ रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आखिर इस ना पहुंचने की वजह क्या है? देखिए, इसे जिस तरह से सांप्रदायिक दंगों की या हिंसा जो बढ़ती थी उसको लेकर जोड़ के दिखाया जा सकता है, क्योंकि आगरा में ठीक दो दिन पहले तक आजम खान मौजूद थे। और दो दिन में ऐसा क्या हुआ कि आजम खान आगरा से चले गए लखनऊ और यहाँ पे नहीं आए हैं, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में वो महासचिव हैं, कद्दावर नेता हैं और उनकी तीसरे नंबर की पोजीशन मानी जाती है आजम खान की, और ऐसे में उनका ना आना एक सवाल निशान जरूर खड़ा करता है, क्योंकि तीसरे नंबर की पोजीशन है उनके उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, और उनका ना आना एक बड़ी खबर के तौर पर देखा। लेकिन प्रशांत, एक बड़ी हैरानी की बात है, अभी तक जितने भी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे अखिलेश, उसमें उनके साथ खड़े हुए थे आजम खान। कल भी हमने देखा था एक प्रेस ब्रीफिंग में अखिलेश के बगल में खड़े हुए थे और तमाम बातों को सुन समझ रहे थे। ऐसे में एक दिन के भीतर ऐसा क्या हो गया कि उनकी नाराजगी चरम पर है और कार्यकारिणी की बैठक में ही नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए प्रीति, आजम खान के क्रिकेट का फितरत यह है, आमतौर पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं पार्टी से ऊपर उठ के दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं जरूर करते रहे हैं। अक्सर कर आप कभी भी देखेंगे कि जब भी कोई बड़ी मुद्दे होते हैं या कोई बड़ी कार्यकारिणी होती है, कोई बड़ी बैठक होती है, तब तक आजम खान का इस तरीके का रवैया देखने को मिलता है। कल तक अखिलेश यादव के साथ में वो खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी कर रहे थे सरकार की तरफ से, और आज जब कार्यकारिणी हो रही है, देश भर के तमाम लोग आए हुए हैं, 100 चुनिंदा लोग पार्टी के शामिल हो रहे हैं, और उस समय में आजम खान अपने आप को उस सबसे ऊपर उठाकर दिखाने की कोशिश शायद कर रहा होंगे। प्रशांत, आप लगातार इस खबर को और टटोलते रहिए, हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। तो मुजफ्फरनगर में जिस तरह से सरकार निष्क्रिय नजर आई है, उसको लेकर आजम खान नाराज है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आगरा में दो दिन ही जो एसपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, आजम खान नहीं पहुंचे हैं। इस खबर पर आगे तमाम